अरे घर आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, घर आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, शामगोर बिल्डर असं करायचं काय, खाली लोक वर काय, शामगोर बिल्डर असं करायचं काय, खाली लोक वर काय, बरेली स्थित देवीपाड़ा के स्थानीय लोगों ने अपने बिल्डर के खिलाफ ही भारी संख्या में मोर्चा खोल दिया। पिछले 14 सालों से अपने घरों का सपना देखने वाले ये गरीब लोग आज भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। चौपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को बिल्डर ने एसआरए के घरों में रहने का सपना दिखाया था और ये भोले भाली जनता बिल्डरों के बहकावे में आ गई, जिसके कारण ये गरीब लोग परेशान हैं। बिल्डरों के ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों का अपने घर का सपना कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता। हमारी रिपोर्टर गीता यादव ने खुद इन लोगों की परेशानी जानी है। मला घर मिळालं पाहिजे, 14 वर्ष झाले आमचे तर अर्धे माणसं गेली, पण जर नाही जमत असेल तर आमची जिथे घर होती तिथे आम्हाला बांधून द्यावी, आम्हाला तुमच्या बिल्डिंगची इच्छा नाही, आम्ही आहे ते होतो ते सुखात होतो, हीच आमची इच्छा आहे। हमारे यहाँ पे भी 400 घर बेघर हैं और कितने सालों से भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में तो कितने लोग मर गए बेचारे भाड़ा करके। अभी तो ऐसे लोग हैं कि जो झाड़ू पोछा करने वाले औरत लोग हैं, कोरोना में 2 साल काम नहीं था, लोगों का इतना बेहाल हो गया कि किसी का ऐसा जो भाड़े से रहते थे भाड़ा नहीं दिया तो सब का उसका ये सब फेंक के गए कि खाली रूम भाड़ा दो तो उन्हें तो खाली करो। तसेच आता याप्रमाणे देवी कपाडा एसआरएचं सेक्रेटरी वर्णन केलं, तसंच महाकाली एसआरएच्या बाबतीत पण असंच घडलेलं आहे। महाकाली एसआरएच्या बाबतीत 13-2 ची कारवाई होऊन विकासकांनी जी जमीन गहाण घेऊन कर्ज काढलेले आहेत अशा ठिकाणी पण लक्ष वेधलं पाहिजे की जेणेकरून दुसरा विकासक कोणी येत नाही अशा परिस्थितीत लोकांनी करायचं काय। आज 15-15 वर्ष प्रकल्प होत नाही, विकास येऊन एलओए घेऊन त्यांच्यावर लोन काढून लोकांना भिकेला लावलं जात आहे अशा ठिकाणी काम कोणाचं आहे। वही स्थानीय शिवसेना विधायक प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में नगर सेविका गीता सिंघन और संजय सिंघन ने स्थानीय लोगों के साथ बैंड्रा स्थित एसआरए कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीछे एक के बाद एक, एक के बाद दो, तीसरी ऐसे ऐसे करके 5 बसें जो लाइन से खड़ी हुई है, और जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग एसआरए ने जो पिछले 12 से 15 साल तक उनको बेघर है वो उनको घर नहीं दिया गया है, जिसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्थानीय नगर सेविका जो गीता सिंघम जी है वो हमारे साथ में है, हम उनसे ही बात करते हैं। जी मैडम, आप ये बस के पीछे बस और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनको आप लेकर एसआरए ऑफिस में जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या है जरा हमारे बताइए। पहले तो सबको जय महाराष्ट्र। हम लोग यहाँ पे आज काफ़ी बड़े तायद लोगों के साथ हम लोग एसआरए देवी उधर जा रहे हैं, बांद्रा में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो विकासक है उसके यहाँ हम लोग ये मोर्चा लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम बोलेगा तो यहाँ पे एसआरए डेवलपर मीन्स ये झोपड़पट्टी प्राधिकरण में अपना जो एरिया है पूरा उन्होंने डेवलप करने को लिया, कम से कम 14 सालों से ये प्रोजेक्ट ठप्प पड़े हैं, मीन्स कुछ भी हुआ नहीं उसमें, उन लोगों को बेघर किया गया है। 1700 से 2200 परिवार है जो आज की तारीख में बेघर है। कोरोना की स्थिति है, लोगों को खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, उनका काम धंधा चला गया है, अभी उनको विकासक भाड़ा भी नहीं दे रहे। हम लोग की मांग है जब वो अभी तक वो घर तो बनाया नहीं लेकिन कम से कम उनको भाड़ा तो मिलना चाहिए, जो अभी वो भाड़ा देंगे तो वो कहीं पर तो रहेंगे। अभी उनके पास मतलब ना अन्न वस्त्र निवार है, ऐसे तीनों से बेघर है वो। अभी लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि ये जगह यहाँ पे बम्बई में रहना है तो उनको खाने के वांदे हो गए, इसलिए बहुत सारे लोग गांव शिफ्ट हो गए। कोई हमारे यहाँ हमारा इस प्रोजेक्ट में है, दोनों में से एक प्रोजेक्ट में तो 2 लोगों ने आत्महत्या भी किया। अभी वो आत्महत्या करने के बाद हमारा फर्ज होता है नगर सेवक के नाते से, इसलिए मैं आमदार प्रकाश दादा सुर्वे साहब के पास रिक्वेस्ट किया कि अपन इसका आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे ये लोगों का भाड़ा त्वरित चालू करे, भाड़ा के साथ में वो प्रोजेक्ट का काम भी इमीडिएटली चालू करे जिससे अपना लोगों को घर मिले, यही सोच के हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्थानीय लोगों ने एसआरए के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एसआरए ऑफिस तक जा रहे हैं, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये वहां से आने वाले नहीं है। इस तरीके का यहां स्टेटमेंट शिवसेना के नेता ने हमें दिया है। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ गीता यादव की रिपोर्ट।